जब कोई बैट्समैन दर्द के मारे यूं तड़पता है, इसका मतलब है कि चोट गंभीर है, और वो भी तब जब बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा हो, जिन्होंने फील्ड पे कभी भी अपना दर्द जाहिर नहीं किया है। दो हजार 18-19 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-2 से पीछे चल रहे ऑस्ट्रेलियन टीम को सिडनी का टेस्ट मैच किसी भी हाल में जीतना था। इंडियन टीम के इस जनरेशन के मिस्टर डिपेंडेबल चेतेश्वर पुजारा ने 373 बॉल खेल के 193 रन बनाया। पहले इनिंग्स में इंडिया ने 622 रन बनाया, मैच ड्रॉ रहा और ऑस्ट्रेलियन जमीन पे सीरीज जीतने वाली इंडिया पहली एशियन टीम बनी। अगले दो सालों में पुजारा के फॉर्म, बैटिंग टेक्निक और मेथड पे सवाल उठने लगे। 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये इतिहास दोहराने का मौका था। 328 के टारगेट को चेस करते हुए 56 रन बनाना ये कोई अनोखा कीर्तिमान नहीं है। अनोखा और महान कीर्तिमान तब समझा जाएगा जब ये पता चले कि कितने बॉल में ये 56 रन बनाया गया था, 211 बॉल्स में। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन 211 बॉल्स में 10 बॉल उन्होंने अपने बॉडी पे खाया था, सभी बॉल की स्पीड 135 किलोमीटर से ऊपर। पहले मैच में 36 पे ऑल आउट हो चुकी इंडियन टीम ने अगले मैच में सीरीज 1-1 से बराबरी कर लिया था। तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहा और चौथा टेस्ट फाइनल के तरह देखा जा रहा था, जिसे अगर इंडिया जीतती तो इतिहास दोहराया जाता और अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती तो वो लगातार दूसरी बार शर्मसार होने से बच जाती। 2018-19 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जीत के बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया और कुछ खिलाड़ियों ने ये कमेंट किया था कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के टीम में नहीं होने से इंडिया ने वो सीरीज जीता। दो साल बाद ऑस्ट्रेलियन टीम अपने सितारों से भरी थी, पर इंडियन टीम। चौथे टेस्ट के शुरू होते होते आलम ये था कि पहले टेस्ट मैच के प्लेइंग 11 से सिर्फ 3 ही प्लेयर्स चौथे और फाइनल टेस्ट मैच में खेल रहे थे, तो अनुभवी प्लेयर्स जैसे चेतेश्वर पुजारा और कप्तान अजिंक्य रहाणे पे दारोमदार और बढ़ गया। पहले इनिंग्स में इंडिया 336 रन पे ऑल आउट हो गई। अब जीत के लिए 328 रन चाहिए था। ओपनर रोहित शर्मा बहुत ही जल्द आउट हो गए। 90 ओवर में क्रीज पे आए चेतेश्वर पुजारा। मैच की प्रिडिक्शन बता रही थी कि इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1% है, पर उन्हें क्या पता कि हम हिंदुस्तानी हार को भी हरा देते हैं, फिर ये तो ऑस्ट्रेलियाई टीम है। बीते साल 2020 में पुजारा का बैटिंग एवरेज 20.37 था, उनके करियर का सबसे खराब। इस सीरीज में भी उनके बल्ले से वो बड़ी पारी देखने को नहीं मिला, पर इस फाइनल मैच में उनसे बहुत उम्मीदें थीं। पांचवें दिन के शुरुआत में पुजारा क्रीज पे थे। उनको पता था कि किसी भी हाल में इस सेशन में उन्हें आउट नहीं होना है। एक तरफ से युवा शुभमन गिल आक्रामक अंदाज से बैटिंग कर रहे थे, तो पुजारा को बस दूसरे छोर पे विकेट को बचा के रखना था। विकेट को बचा के, वो भी मैच के पांचवें दिन वाला पिच जिसके क्रैक्स खुल चुके थे। बॉल पड़ने के बाद अनइवन बाउंस ले रहा था और विरोधी खेमे की बॉलिंग लाइनअप आग उबल रही थी। हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस अपनी पूरी जान झोंक रहे थे। पुजारा को 22 बॉल लगे अपना खाता खोलने में। पिच का क्रैक्स और खुल रहा था। 62वें बॉल पे कमिंस की एक बॉल सीधा पुजारा के कंधे पे लगी। 135.5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से फेंकी हुई बॉल, ये पहली जोरदार चोट थी, पर पुजारा के चेहरे पे दर्द का जरा भी शिकन नहीं था। 10 बॉल बाद कमिंस की 141 के रफ्तार की बॉल पुजारा के हेलमेट पे लगी। अगले ओवर एक बॉल चेस्ट पे। पुजारा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं बॉल से नज़र हटा लेता था, क्योंकि अगर मैं बॉल को देखता रहूँगा तो बैट खुद ब खुद बॉल को डिफेंड करने आ जाएगी और बॉल टॉप एज लेके सिली मिड ऑन शॉर्ट लेग पे जा सकता है। अगर हमें वो मैच जीतना था तो मुझे वो 35 ओवर का सेशन किसी भी हाल में खेलना था, चाहे बॉल बॉडी पे ही क्यों ना खानी पड़े। मेलबॉर्न मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान पुजारा को उंगली में चोट लगा। चोट इतना गंभीर था कि उन्हें नेट से बाहर निकलना पड़ा। मेलबॉर्न टेस्ट में उन्होंने उसी दर्द में खेला, पर आज हेजलवुड की एक बॉल अनइवन बाउंस लेके उनके उसी उंगली पे लगी। वो दर्द से कर्रा उठे, उन्हें लगा फिंगर फ्रैक्चर हो गया। फिजियो ने उनसे पूछा कि पेन किलर लोगे, उन्होंने पेन किलर लेने से मना कर दिया। पुजारा ने 196 बॉल में अपना अर्धशतक बनाया, हिज स्लोएस्ट इन टेस्ट क्रिकेट। इसके बाद हेजलवुड की एक बाउंसर उनके हेलमेट पे लगी, लेकिन पुजारा टस से मस नहीं हुए।
पुजारा की इस एटीट्यूड की बीज उनके बचपन में ही बोया गया था। जिस तरह 12 साल की उम्र में आत्म बलिदान और अनुशासन उनके लिए ज़रूरी था, वैसे ही 20 साल बाद भी इसकी कीमत उन्हें पता है। बचपन में उन्होंने कभी भी कोई त्यौहार नहीं मनाया, कोई पटाखे नहीं जलाए जिससे उनका हाथ जल जाए, ना ही कोई पतंग उड़ाया जिससे उनकी उंगली कट जाए और वो प्रैक्टिस ना कर पाए। तो अपने खेल, अपनी विकेट की अहमियत उन्हें पता थी। इसी तरह का जिगरा उन्होंने अपने डेब्यू मैच में भी दिखाया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें दिन जीत के लिए 207 रन चाहिए थे। ओपनर वीरेंद्र सहवाग जल्द आउट हो गए। पुजारा बैटिंग करने आए और 89 बॉल में 72 रन बना के टीम के जीत में एक अहम भूमिका निभाया। आज गाबा में उन्होंने उसी दर्द के साथ पूरा इनिंग्स खेला। तो भले ही युवा बल्लेबाज शुभमन गिल, ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर के धमाकेदार कंट्रीब्यूशन ने पांचवें दिन इंडिया को गाबा में यह ऐतिहासिक जीत दिलाया, पर इस जीत की नींव पुजारा ने रखा था। हो सकता है उस टूर पे उनके स्कोर और एवरेज की कोई चर्चा ना करे, पर पुजारा किसी नेट्स में बैटिंग करते हुए मुस्कुरा रहे होंगे, ये जानते हुए कि ब्रिस्बेन में ना उन्होंने घुटना टेका और ना ही उनकी टीम ने। इसी तरह 9 फरवरी से शुरू होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पुजारा यूं ही चट्टान के तरह विरोधी बॉलर्स के सामने खड़े रहें और टीम के जीत में अपना बेशकीमती कंट्रीब्यूशन दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।